आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। कोरोना अपडेट। सिमडेगा में मिला कोरोना का पहला संक्रमित, एनपीडी के दो और लोग पॉजिटिव, राज्य में संख्या हुई 27। झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। मंगलवार को तीन और संक्रमितों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 27 हो गई है, जिनमें दो की मौत हो चुकी है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के दो और लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जबकि एक अन्य संक्रमित सिमडेगा का है। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण का यह पहला मामला है। जानकारी के अनुसार सिमडेगा के जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वह निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने के बाद लौटा था। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में भी जो दो नए संक्रमित पाए गए हैं उनका संबंध भी तबलीगी जमात से है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने तीन नए संक्रमितों के मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों को कोविड-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि रांची के हिंदपीढ़ी में इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। इनमें से एक की मौत हो गई है। बोकारो में 9 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ इलाके से दो और गिरिडीह जिले से दो कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। सिमडेगा कोरोना से संक्रमित होने वाला 5वां जिला है। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। मगध कोल परियोजना में अवैध खनन, विधायक अंबा प्रसाद ने की कार्रवाई की मांग। दूसरी खबर, सांसद पीएन सिंह किए गए क्वारंटाइन, होगी कोरोना जांच। तीसरी खबर, कोरोना हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी में बवाल, पुलिस पर पत्थरबाजी कर बैरिकेडिंग को तोड़ा। चौथी खबर, हिंदपीढ़ी घटना पर स्वास्थ्य मंत्री सख्त, बोले देशद्रोह जैसा है यह अपराध। पांचवी खबर, मोदी की घोषणा के बाद बोले हेमंत, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। छठी खबर, लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले को सियासी दलों ने ठहराया जायज। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने चतरा एवं लातेहार एसपी को पत्र भेजकर कोयला के अवैध खनन व परिवहन की शिकायत की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सीसीएल के मगध कोयला खनन परियोजना से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी कर लातेहार जिले के फुलबसिया रेलवे साइडिंग में निजी जमीन पर डंप कर रेलवे रैक से अवैध तरीके से बाहर बेचा जा रहा है। विधायक ने यह भी लिखा है कि चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को आम्रपाली से फुलबसिया रेलवे साइडिंग के ट्रांसपोर्टिंग का कार्य मिला है। इसकी आड़ में यह कंपनी अवैध कोयला का परिचालन कर रही है। पिछले एक महीने में 2 रैक कोयला भेजा जा चुका है, अब तीसरी रैक के परिचालन की तैयारी कोयला माफिया कर रहे हैं। उन्होंने आरोपितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। धनबाद जिला प्रशासन ने सांसद पीएन सिंह को होम क्वारंटाइन कर दिया है। जल्द ही उनकी जांच भी की जाएगी। अधिकारियों ने सांसद को 14 दिन तक घर में ही होम क्वारंटाइन का पालन करने को कहा है। साथ ही पिछले 2 दिनों में सांसद के संपर्क में आने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। करीब 20 दिनों बाद दिल्ली से सांसद पीएन सिंह धनबाद पहुंचे हैं। उनके धनबाद पहुंचने की सूचना मिलने के बाद मंगलवार को धनबाद के बीडीओ उदय रजक और सीओ प्रशांत लायक उनके धनसार स्थित आवास पर पहुंचे। सांसद को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन पर रहने को कहा है। सीओ प्रशांत लायक ने बताया कि चिकित्सकों की अति व्यस्तता के कारण सांसद पीएन सिंह का परीक्षण नहीं कराया जा सका। शीघ्र ही सैंपल लेकर कोरोना जाँच की जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। कोरोना संक्रमण के लिहाज से राजधानी का हिंदपीढ़ी इलाका हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इलाके की 15 एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया है। पूरा इलाका सील कर कर्फ्यू भी लगाया गया है। बावजूद इसके यहां के लोग प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। सोमवार की देर रात हुए बवाल के बाद मंगलवार को भी यहां रुक रुक कर विरोध प्रदर्शन होता रहा। मंगलवार को हिंदपीढ़ी के 3rd स्ट्रीट और सरफराज चौक के समीप जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान प्रशासन की बैरिकेटिंग को लोगों ने तोड़ दिया। लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़क पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के वरीय अधिकारी वहां पहुंचे और मामले को शांत कराया। इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की, लेकिन पुलिस ने संयम दिखाते हुए पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया और स्लाइडर बैरिकेटिंग लगाई। रांची के सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। हिंदपीढ़ी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण के शिकार ना हो जाएं, इस बात की चिंता वरीय अधिकारियों को है। इसी वजह से उन्हें बदल बदल कर ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। सिटी एसपी ने कहा कि हिंदपीढ़ी में जो भी पुलिसकर्मी तैनात हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए यह निर्देश दिया गया है। बता दें कि सोमवार देर रात हिंदपीढ़ी में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन टीम को देखते ही स्थानीय लोग कुर्बान चौक के पास हंगामा करने लगे।
मेडिकल टीम और पुलिस कर्मियों को खदेड़ दिया गया। आक्रोशित लोगों ने बवाल करते हुए नाला रोड स्थित सैनिटाइजर केबिन और एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। सुबह 3 बजे स्थिति को काबू में कर दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रिम्स ले जाया गया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हिंदपीढ़ी में हुई घटना पर सख्त हैं। उन्होंने मेडिकल टीम को रोकने के मुद्दे पर कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को रोकना देशद्रोह जैसा अपराध है। राहत एवं बचाव कार्य में लगे लोगों का सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को लोहरदगा में संयुक्त रूप से इस घटना का विरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के साथ है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कोरोना से लड़ रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि समझदारी से काम करें, लोगों को सरकार और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि का बढ़ना जरूरी था, हमें इसका सख्ती से पालन करना है। झारखंड सरकार राज्य में सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ बाहर रह रहे श्रमिक भाई बहनों के लिए भी डीबीटी के माध्यम से जल्द मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है। पीएम के संबोधन के बाद सीएम ने ट्वीट कर लोगों को संदेश दिया कि लॉकडाउन को हमें सख्ती से पालन करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना जरूरी है, हमें इसका सख्ती से पालन करना है। हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के बारे में भी बात करते हुए कहा कि सरकार फंसे हुए मजदूरों को मदद पहुंचाने में लगी है। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। लॉकडाउन को 3 महीने तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले को झारखंड में सभी सियासी दलों ने सही ठहराया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जान है तो जहान है, इसलिए हर किसी को पीएम की घोषणा का स्वागत करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि राज्य के बाहर रह रहे प्रवासी मजदूर जहां हैं वहीं रहें, राज्य सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। प्रदेश राजद ने भी कोरोना को परास्त करने के लिए लॉकडाउन को एकमात्र उपाय बताया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में राजनीति से ऊपर उठकर इस वैश्विक आपदा से मिलजुल कर लड़ने के लिए सोचना चाहिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीएम मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। उन्होंने झारखंड में लॉकडाउन के पालन में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि कोरोना से जंग में पूरा देश एकजुट है, सभी लॉकडाउन का पालन आगे भी करेंगे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।